तो जी सुबह के बज गए 7:15 और 7:15 बजे अगर मैं हालात दिखाऊं ना आपको तो एक मिनट देखना, ये देखो किस तरीके से सब कुछ फैला हुआ है, सब चारों तरफ बस अड़ंगा यड़ंगा है। और हालात ये देखो, ये देखो किचन में जाना एक जंग होता है, किचन से वापस आना भी एक जंग होता है, क्योंकि वहाँ पर एक तालाब है, उस तालाब में डूब कर जाना पड़ता है तैर तार के, जब उधर तैर के पहुँचते हैं तो भीग जाते हैं। और मेरा ट्राईपोड रखा है बाहर, ये खूब मूसलाधार बारिश हो रही है हमारे यहाँ पे। और बच्चों को रेडी कर दिया, बच्चों को लेके जाना है स्कूल, तो छाता लेकर हम जाएंगे, है ना नैनी? स्कूल चलेंगे हम छाता लेकर, और आने के बाद में मम्मी इस वाली जंग में शुरू हो जाएगी, फटाफट इसको समेटना, है ना? जो बच्चे बिखेर के जाएंगे वो मम्मी पीछे से समेटेगी। और आज इस कूलर को मैं बाहर रखूँगी, अलविदा कहूँगी इसको, परेशान कर रखा है इसने, पानी पानी भर देता है पूरे रूम में, क्योंकि ये यहाँ लगा रहता है तो सारे रूम में पानी हो जाता है, ये गेट बंद नहीं कर पाती हूँ। और इसमें पानी था तो इनको भेजने के बाद में होगा। शिवांश की रोटी का टुकड़ा अंदर नहीं जा रहा, शिवांश का टुकड़ा भी इसमें गले में अटका हुआ है। और मेरी एक चप्पल मैंने पहन रखी है, एक चप्पल मेरी वहाँ चिपक गई मिट्टी से, हम उसको निकालूंगी मैं। पहले मैं छाता ढूंढ लेती हूँ ताकि बच्चों को स्कूल लेके जाऊँ तो आराम से पहुँच जाएँ। और बार बार ये बाल है ना मेरे, वो जो बेल आ रही है ना गेट के अंदर, उसमें अटक अटक के ना खराब हो गए। क्या हो गया? आधी पराठा दिया था वो भी इसका बस हो रही है। चल मैं खिलाऊँ, तो जी घर पहुंचने के बाद में जैसे कि मैंने स्कूल बच्चों को छोड़ने गई थी उससे पहले दिखाया था ना आपको हाल, तो उस हाल को देखकर आप समझ ही सकते हो कि मैं क्या कर सकती थी। तो आते ही मैंने सोचा सबसे पहले मैं ये सारा समेट लूं, और बच्चे दोनों गए हैं ना उसके बाद में मतलब ये हो गया था कि अब काम समेटने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और शिवांश को तो गोद में लेके जाना पड़ा क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा गिर रहा था। और छाते हमारे पास दो थे, एक नैनी को दे दिया था, एक मैंने ले लिया था। और मैंने उस टाइम पे फिर कुछ शूट करने का वो ही नहीं होता ना, इतनी ज़ोरों से बारिश हो रही है, एक बच्चा गोद में है, ठीक है, तो आप समझ सकते हो। तो बस उनको छोड़ के आई आने के बाद में, और फटाफट से अपना ये रूम अरेंज करना शुरू किया। और बारिश का जो मौसम होता है ना उसमें ज़्यादातर कपड़ों में सीलन आ जाती है हर जगह में, मतलब ऐसे लगता है जैसे सब जगह सीलन सीलन सी आ रखी है। तो ऐसा ही कुछ है हमारे भी हो रखा था, तो मैंने ज़्यादातर जो ये थे ना कपड़े उनको फोल्ड करके हटा दिया है, मतलब खाट भी हटा दिया, अगर धूप निकलेगी तो धूप में डाल दूँगी। और पता है ये जो है ना रूम इसमें ना बहुत सारे बर्तन हो जाते हैं जूठे, तो अभी जा कर के मेरा रूम सारा अरेंज हो चुका है, आप देख सकते हैं पूरा एकदम नीट एंड क्लीन है, बस झाड़ू वगैरह लगानी है। तो यहाँ देखिए ये साइकिल और ऊपर से ये रसोई का हाल। तो अब मेरे को करना है इसको भी थोड़ा अरेंज, क्योंकि बाहर भी कुछ ऐसा ही हो रखा है, पानी गिर रहा है बहुत जोरों से और सुबह से ही गिर रहा था, ये मैंने आपको बताया पहले भी। तो पूरा हाल ख़राब कर रखा है इसने सारे घर का ही। तो जी अब ये साइकिल जो कि इस रसोई में घुसी हुई थी, मतलब कि रसोई के अंदर रखा था इसको कि बारिश में ना भीग जाए, इसको मैं उठा करके सीढ़ियों में रख के आ जाती हूँ। और पूरी किचन जो है ना मतलब बारिश के मौसम में इसी तरीके से भर जाती है सामान से, बाहर कुछ छोड़ेंगे तो फिर वैसे वो भीगेगा और अंदर रखेंगे तो किचन भरेगी, सुबह पहले मुझे खाली करनी पड़ेगी। लेकिन मैं सोचती हूँ नीचे ले जाने से तो अच्छा है कि मैं यहीं पर किचन में रख दूँ, क्योंकि किचन में रखने से मतलब ये है कि कुछ सामान मैं रख देती हूँ और कुछ वैसे रख दिया जाता है और लोगों के द्वारा, तो यहाँ पर ये पूरी किचन भरी जाती है। और नीचे ले जाते हैं ना तो फिर मेरे को तो बहुत परेशानी होती है, मेरे पैरों में वैसे ही दर्द रहता है अगर मैं नीचे लेके जाऊँगी, फिर वापस चाहिएगा जब फिर उठा के लाऊँगी। और वो सीढ़ियों में ना सेट नहीं हो रही थी साइकिल, बार 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 उसका आगे वाला हैंडल ना घूम रहा था, और लास्ट में जाके मैंने उसको सेट कर ही दिया। और पानी में मैं भीग चुकी हूँ बुरी तरह से, फिलहाल मैं अगर आपको दिखाऊँ ना तो सारी भीग गई हूँ। तो जी पूरी भीगी हुई हूँ मैं सुबह से, बच्चों के लिए कभी ये किसी चीज़ के लिए आना, कभी किसी चीज़ के लिए जाना, ठीक है। और छाते के साथ काम होता नहीं, क्योंकि एक हाथ से छाता पकड़ो एक हाथ से सामान पकड़ो, कुछ उस कूलर को गेट में से निकालने में भी थी। अब ये रसोई समेटना
एक डिफ़िकल्ट टास्क है। मेरे को बोल तो रहे थे कि बिस्तर अच्छे से नहीं रख रखे, आप देखो ये सामान सारा रात को ऐसे रखा जाता है, सुबह अपनी जगह पे जाता है, वो कहाँ रखे कोई, रोज़ रोज़ नीचे तो ले जाया नहीं जाता, रूम भरा पड़ा है पूरा। अब मैं इसको यहीं पर अरेंज करूँगी फिर उठा पटक करके। तो जी यहाँ पर ये सारा सामान एक बार उठा के और साइड में रख के, और ये कट्टा जो इस तरीके से रखा हुआ है ना, तो इसको थोड़ा सा अलग तरीके से सेट करती हूँ ताकि यहाँ पर और सामान आ जाए। तो अभी फ़िलहाल के लिए मैंने ये कट्टा इस तरीके से रख के और ये सामान बाकी ऐसे रख दिया है, और यहाँ पर लगा लिए अब झाड़ू, एक बार हल्की फुल्की झाड़ू फिरा दिए क्योंकि बाद में सारा काम होएगा ना, उसके बाद में मैं अच्छे से करूँगी इधर की क्लीनिंग। तो अब करने मुझे बर्तन खाली, जितने भी बर्तन हो रखे हैं ना वो सारे खाली कर देती हूँ ताकि मैं उनको अब साफ़ कर लूँ और ये किचन का काम भी सिमट जाए, क्योंकि रूम का तो आपने देखा अभी समेट ही लिया, अब ये किचन बची है जिसमें कि बिखरा हुआ है चारों तरफ प्लेटफॉर्म, सारे बर्तन वर्तन है, और रोटियां सेकनी है मुझे, एक सब्ज़ी तो मैं नहीं बनाऊंगी क्योंकि बच्चों के लिए तो मैंने पनीर का पराठा बना दिया था, क्योंकि पनीर जो है ना वो मैंने निकाल लिया था, सुबह दूध रखा हुआ था, काफ़ी दूध बचा हुआ था, तो मैंने सोचा चलो बच्चों को ना पनीर का पराठा बना देती हूँ, खुश होकर ले जाएंगे। तो दोनों को एक एक पराठा बना के दे दिया, एक एक उन्होंने खा लिया था, और सब्ज़ी भी कोई लाई भी नहीं थी, तो ये ज़्यादा सबसे बेस्ट ऑप्शन था। और अभी देखो आप सामने देख रहे होंगे बीच में मैंने बर्तन वगैरह साफ़ कर दिया, मम्मी का फ़ोन आ गया था, मम्मी से बात करते करते, और फिर मैंने फटाफट बर्तन साफ़ किया, उसके बाद में सोचा चलो रोटी और सेक देती हूँ क्योंकि अभी भी बारिश हो ही रही है बहुत ज़ोरों वाली, तो अब रोटियाँ सेकूँगी ना जब तक बारिश क्या पता रुक जाए, तो मेरी बाहर का जो सफाई का काम है ना वो चालू हो जाएगा। तो अब रोटियां कितनी सेकनी है, थोड़ी सी रोटियां सेकनी है अब इनके लिए, मैं दोबारा के लिए रखूँगी ना अगर ये परात वगैरह उठा के, तो मेरा ही काम फैलेगा फिर बाद में दोबारा से रोटियां सेकने का। और आजकल आप सबको पता ही है कॉमेडी के वीडियो बनाती हूँ ना, तो उस वजह से ना टाइम नहीं लगता, होता है सुबह सुबह कि जल्दी से काम ख़त्म करूँ और बाकी जो वीडियो वगैरह जो है ना उनके काम पर फोकस करूँ। तो बस यही है कि ज़्यादातर लास्ट जो टारगेट होता है ना मेरा ये होता है कि 9:30 बजे तक मैं टोटल जो काम है ना घर का वो ख़त्म कर लूँ, और उसके बाद मैं अपने वीडियोस वगैरह बनाने शुरू कर लूँ, क्योंकि रोज़ एक दो जिस दिन टाइम मिलता है उस दिन दो भी शूट हो जाते हैं, और कभी नहीं मिलता तो एक तो करना ही करना है। तो और मिनी व्लॉग भी आपको पता ही है, व्लॉग्स भी रेनू पर रेगुलर जा रहे हैं तो उसके लिए भी टाइम निकालना होता है। तो यहाँ पर रोटियाँ मेरी सीख चुकी हैं, उसके बाद में मैंने ये प्लेटफॉर्म है ना इसको क्लीन करना शुरू कर दिया है, और ये बहुत ज़्यादा गंदी हो रखी थी तो बस इसको सबसे पहले क्लीन किया। अब करूँगी, वैसे ये एकदम फाइनल क्लीन नहीं हुई है, उससे पहले मैं जो ये तवा चिमटा जो परात वगैरह थे ना ये सारे साफ़ करने चली गई, क्योंकि इनको साफ़ करके और फिर ही प्लेटफॉर्म पूरा क्लीन होगा, क्योंकि सिंक भी खाली हो जाएगा, साथ साथ मैं सिंक भी वॉश कर दूँगी, मतलब सिंक भी धो दूँगी, क्योंकि वो भी एकदम गंदा सा हो जाता है ना, बर्तन रोज़ साफ़ करते हैं तो उसमें काफ़ी स्टेन्स वगैरह रह जाते हैं, तो वो भी क्लीन कर दिया है अभी। और अब एक बार फिर से, पता है प्लेटफॉर्म जो है ना उसको मेरा ये रहता है कि साफ़ होने के बाद में भी एक दो बार मैं कपड़ा फिरा ही देती हूँ, किस किस की ऐसी हैबिट है वो बताना मेरे को कमेंट बॉक्स में। और अब जो अपना कुक टॉप है ना उसको जोड़ने से अच्छे से रगड़ रही हूँ, क्योंकि इसमें शायद तक कल रात को या फिर आज सुबह तो नहीं हुआ, कल रात को मैंने कुछ निकल गया था गैस के ऊपर से, तो जिसके कारण ना ये बर्नर के ऊपर चिपक गया, और ये जो इसके स्टोव के जो होते हैं ना ये रखने के, इनके ऊपर भी चिपक गया। तो इसको एक बार जूने से रगड़ के अच्छे से साफ़ कर लिया है, और फिलहाल मेरी किचन पूरी क्लीन है, बर्तन सारे साफ़ हो चुके हैं। चलो मैं एक बार फाइनल लुक दिखा देती हूँ आपको। तो इस तरीके से कुछ हो रखी है, और खिड़की मैंने सामने वाले बंद कर दी है क्योंकि उसमें से बारिश आ रही थी बहुत सारी। तो अब लगा लेते हैं पोचा, यहाँ का पोचा बाकी है ना, तो झाड़ू मैंने बीच में लगा दी, झाड़ू का मैंने शूट ही नहीं किया, बस मैंने पोचा लगाने के टाइम पे फिर से कैमरा लगाया, और बाहर मैं रख नहीं सकती क्योंकि बारिश आ रही है, इसलिए मैंने रूम इसके किचन के अंदर ही रखा था, काफ़ी मतलब कोने में आ गया था वो। और बाहर देखो अभी भी बारिश हो रही है, आज तो बहुत ही अच्छी वाली बारिश हुई है, आज की बारिश को देखते हुए तो ऐसे लगता है जैसे कि एकदम बाढ़ ला के छोड़ेगा भगवान। तो और कई जगह पे तो आ भी रखी है ऐसे, मैंने जैसे न्यूज़ वगैरह में देखा है और यूट्यूब पे देखा है। तो इस घर में एक चीज़ आप देख रहे होंगे, इस घर में चाहे कितनी सफाई कर लो कुछ नहीं टिकती है, हालत ख़राब हो जाती है इस घर में लगे लगे। देखते हैं अब जितने दिन अब यहाँ पे हालत ख़राब होनी है वो तो होएगी। अब मैं बाहर से थोड़ा सा मिट्टी है ना तो मिट्टी निकाल देती हूँ, क्योंकि मिट्टी आ जाती है गीले मिट्टी है नीचे, वो सारी पानी के साथ में ऊपर आती है, फिर ऊपर लगता है गंदा, अगर मिट्टी में ही रहें तो गंदा भी ना लगे, यहाँ पर ज़्यादा गंदा लगता है। तो अब मैंने फाइनली इधर का क्लीनिंग का जो काम था वो पूरा ख़त्म कर दिया है, और अब देखो इधर से भी पूरा साफ़ है। मुझे जचाने कपड़े, जचाने नहीं है मतलब सुखाने कपड़े, क्योंकि कपड़े धोए थे वो कल वाले सूखे नहीं है, तो वो सुखाऊंगी और फिर उसके बाद नहाना है, और नहाने के बाद में फिर अपना काम करना है जो भी करना है। हाँ रूम में पोछा भी लगाना है यार, रूम बंद करके छोड़ा हुआ है, पोछा नहीं लगाया, तो मैं उसके
रूम में पोछा लगाऊंगी, करूंगी इस वीडियो का एंड, मिलूंगी एक नए व्लॉग के साथ में। बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जाते जाते वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब।